हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स, आज हम अपने यूनिट 5 का एक और टॉपिक पढ़ेंगे, जिस टॉपिक का नाम है आपका पैरालिंग्विस्टिक फीचर्स। ये टॉपिक आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मैं एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, लेकिन अगर हम अपने लाइफ की बात करें तो आगे अगर आप कभी भी किसी भी कंपनी में जाएंगे और वहाँ पे जाके जॉब करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप जॉब करेंगे तो आपको कभी ना कभी कहीं ना कहीं अपनी प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। तो प्रेजेंटेशन देने के लिए आपको इस पैरालिंग्विस्टिक फीचर्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इसी टॉपिक के माध्यम से आपको और हमको ये पता चलेगा कि एग्जैक्टली हमें अपनी प्रेजेंटेशन के दौरान कैसे बोलना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए, कैसे अपने आइडियाज़ को, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहिए। दैट मीन्स आपको कैसे अपनी चीज़ों को कम्युनिकेट करना चाहिए। पैरालिंग्विस्टिक फीचर्स को हम और आप पैरा लैंग्वेज भी कहते हैं, ठीक है। पैरालिंग्विस्टिक फीचर्स को हम और आप पैरा लैंग्वेज भी कहते हैं। इस टॉपिक का तीसरा नाम आपका डायमेंशन ऑफ स्पीच भी होता है, यानी कि ये टॉपिक आपका तीन नाम से जाना जाता है। हर बुक के अंदर ये अलग अलग ये टॉपिक आपका इन तीनों में से किसी भी एक नाम से दे रखा होता है। इसके तीन नाम हैं। पहला नाम है इसका पैरालिंग्विस्टिक फीचर। पैरालिंग्विस्टिक फीचर्स आपका मोस्ट पॉपुलर नाम है और यूजुअली इसी नाम से आपको ज़्यादातर आपको हर जगह ये टॉपिक मिल जाएगा। इस टॉपिक को हम पैरा लैंग्वेज भी कहते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस टॉपिक को हम डायमेंशन ऑफ स्पीच के नाम से भी जानते हैं। अब हम ये पढ़ेंगे कि पैरालिंग्विस्टिक फीचर्स का मतलब क्या होता है। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आप एक बात याद रख लीजिए, ये बात बहुत फेमस बात है कि वर्ड्स डोंट हैव मीनिंग, शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता। दैट मीन्स शब्दों का अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता। वी अटैच मीनिंग टू देम। ये मनुष्य है, ये ह्यूमन बीइंग है जो किसी शब्द को क्या देता है, एक अर्थ यानी कि एक मीनिंग देता है। शब्दों का अपने आप में कोई भी मतलब नहीं होता। इसीलिए हम ये कहते हैं कि जो पैरा लैंग्वेज होती है, इसीलिए हम कहते हैं जो पैरा लैंग्वेज लैंग्वेज होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो पैरालिंग्विस्टिक फीचर्स होते हैं, दे आर अ काइंड ऑफ एक्शन लैंग्वेज। दे आर अ काइंड ऑफ एक्शन लैंग्वेज। अब एक्शन लैंग्वेज से मतलब क्या होता है? एक्शन लैंग्वेज से मतलब होता है कि जब और आप मैं और आप कोई भी काम करते हैं, यानी कि मैं और आप कोई ना कोई क्रिया करते हैं, ठीक है, तो उस क्रिया को करने के लिए हम और आप क्या करते हैं? बोलते हैं। उस क्रिया को करने के लिए हम और आप सामने वाले व्यक्ति से क्या करते हैं? बोलते हैं। तो जिस भाषा का इस्तेमाल हम और आप अपने कार्य को करने के लिए करते हैं, उस भाषा को हम और आप पैरा लैंग्वेज या पैरालिंग्विस्टिक फीचर भी कहते हैं। अब अगर मैं आपसे वर्ड की बात करूं कि पैरा और लैंग्वेज, ये दो वर्ड के अंदर बटा हुआ है। पैरा लैंग्वेज शब्द आपका दो वर्ड के अंदर बटा हुआ है। पैरा का मतलब क्या होता है? पैरा का मतलब होता है आपका लाइक, और लैंग्वेज का मतलब आपका क्या होता है? भाषा, ठीक है। ये इसलिए अगर इन दोनों वर्ड्स को हम कंबाइन करते हैं तो हम ये भी कह सकते हैं कि दे आर अ काइंड ऑफ एक्शन लैंग्वेज, या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लाइक लैंग्वेज, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लाइक लैंग्वेज। इसको हम और आप लाइक लैंग्वेज भी कहते हैं। ये जो भाषा होती है, ये एक मिडिल लैंग्वेज का काम करती है, यानी कि एक मिडिल पाथ का काम करती है। किसके बीच में मिडिल पाथ का काम करती है? वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर। वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर ये भाषा एक मिडिल वे का काम करती है। मिडिल वे का मतलब क्या होता है? कि ये एक साइन और सिंबल देती है हमें, कि हमें और आपको किस तरीके से बोलते समय और ना बोलते समय सिर्फ अपने हाव भाव से हम सामने वाले व्यक्ति को कैसे चीज़ें समझा सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो लैंग्वेज होती है, ये वर्क करती है, यानी कि ये काम करती है किस चीज़ पे? ये हमें साइंस और सिंबल्स बताती है, ये हमें संकेतक भी देती है, ये संकेतिक भाषा भी होती है, हम ये कह सकते हैं, जिसकी मदद से हमें ये पता चल जाता है कि हमें हाउ टू स्पीक, हमें और आपको किसी भी चीज़ को कैसे बोलना है और उस चीज़ को हमें कैसे बोलना है और हमको क्या बोलना है, ठीक है। ये भाषा हमें ये भी बताती है हाउ टू स्पीक, हमें किसी चीज़ को कैसे बोलना है,
एंड वॉट टू स्पीक, उस चीज़ को हमें मतलब पहले हमें किस चीज़ को क्या बोलना है और उस चीज़ को हमें कैसे बोलना है। जैसे हमने कहा खाने को एग्जाम्पल लेते हैं, हमें क्या खाना है, हमें राइस खाने हैं और उस राइस को हमें कैसे खाना है, उस राइस को हमें दाल से खाना है, उस राइस को हमें सब्जी से खाना है। यानी कि इसी प्रकार की भाषा में ये बताती है कि हमें क्या बोलना है, ठीक है, और हमें किसी चीज़ को कैसे बोलना है, ठीक है। यानी कि अगर हम बोल रहे हैं तो उस चीज़ में हमें क्या बोलना और कैसे बोलना, और अगर हम नहीं बोल रहे हैं, हम सिर्फ हाव भाव से यानी कि अपने जेस्चर्स से बात कर रहे हैं, तो अपने जेस्चर्स से हमें क्या बोलना है और हम अपने जेस्चर्स को किस तरीके से बोलेंगे, ठीक है। यानी कि 100 बात की एक बात आपको और हमको ऐसे बोलना चाहिए, हमको यानी कि स्पीकर को ऐसे बोलना चाहिए। ये लैंग्वेज क्या कहती है कि स्पीकर को हमें ऐसे बोलना चाहिए, स्पीकर को हमें ऐसे लैंग्वेज में बोलना चाहिए कि जो उसके ऑडियंस हैं यानी कि उसके श्रोतागण हैं वो उसकी ओर क्या हो जाएं, आकर्षित हो जाएं। आकर्षित का मतलब क्या होता है, उससे इंप्रेस हो जाएं, यानी कि उसकी बात को ध्यानपूर्वक अच्छी तरीके से सुनने लगे। दैट मीन्स उसकी जो भाषा है वो इंप्रेसिव भाषा होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके साथ बहुत सारे फीचर्स एसोसिएटेड होते हैं। फीचर्स का मतलब क्या होता है, इसके साथ बहुत सारी चीज़ें एसोसिएटेड होती हैं यानी कि लगी हुई होती हैं। अगर हम और आप उनका इस्तेमाल करते हैं किस में, अपनी वॉइस में, अगर हम और आप उसका इस्तेमाल करते हैं अपनी वॉइस में, ठीक है, तो हमारी वॉइस और ज़्यादा इम्प्रेसिव हो जाएगी। और ये जो फीचर्स होंगे आपके, ये फीचर्स आपके कहलाते हैं पैरालिंग्विस्टिक फीचर्स। ये फीचर्स आपके क्या कहलाते हैं, पैरालिंग्विस्टिक फीचर्स, यानी कि अपनी आवाज़ को और ज़्यादा बेहतरीन बनाने के लिए, और ज़्यादा महत्वपूर्ण बनाने के लिए जिन जिन चीज़ों का इस्तेमाल हम और आप करते हैं, ठीक है, ताकि सामने वाले के ऊपर हमारी बात का प्रभाव और अच्छे से पड़े, उन फीचर्स को हम और आप पैरालिंग्विस्टिक फीचर्स कहते हैं। अब ये बहुत सारे होते हैं, जैसे बहुत सारे नाम हैं इसमें, हम पहला नाम लिख लेते हैं। जैसे एक होता है इसमें सबसे पहले वॉल्यूम, बहुत सारे फीचर्स होते हैं, वॉल्यूम होता है, ठीक है, वॉल्यूम के बाद पॉज एंड स्पीकिंग होता है, पॉज एंड स्पीकिंग स्पीड होता है। वॉल्यूम मतलब अपनी आवाज़ कितनी तेज़ रखनी है, पॉज एंड स्पीकिंग स्पीड का मतलब क्या होता है, बोलते समय कहाँ का रुकना है, प्लस अपनी कहाँ पर अपनी स्पीड को कैसे कंट्रोल करना है, हमें कैसे शब्दों का प्रोनंसिएशन करना है, जिसे आप लोग प्रोनाउंसिएशन कहते हैं मगर इसका एग्जैक्ट उच्चारण होता है प्रोनंसिएशन, ठीक है। फिर आर्टिकुलेशन क्या होता है, इसका एक फीचर होता है आर्टिकुलेशन, ठीक है, अभी मैं आपको ये सारे एक्सप्लेन करूँगी। फिर इसका एक फीचर होता है पिच, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसका एक फीचर होता है आपका रिदम, जो अगेन आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक होता है आपका स्ट्रेस, एक होता है आपका एसेंट, एक होता है आपका क्वालिटी, और एक होता है आपका रेट, और लास्ट होता है आपका इंटोनेशन। लास्ट क्या होता है आपका, इंटोनेशन। अब इन सारे पॉइंट्स को हम और आप डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। अगर ये देख लीजिए, हम आठों पॉइंटों पर, मेन तो आठ होते हैं, लास्ट ये दो और भी होते हैं हमारे जो तीन पॉइंट है, दैट मीन्स आप सौ एक बात में कह सकते हैं कि अगर आप इन 11 पॉइंटों को ध्यान में रखेंगे तो आई एम श्योर आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होगी। सबसे पहला होता है आपको अपनी वॉल्यूम के ऊपर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है, आपको अपनी वॉल्यूम। अब वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम का मतलब होता है हमारी आवाज़ में निकलने वाली ध्वनि। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम का मतलब होता है हमारी आवाज़ में निकलने वाली ध्वनि। दैट मीन्स वॉल्यूम को हम और आप क्या कह सकते हैं, वॉल्यूम का मतलब होता है मीन्स, वॉल्यूम मीन्स द लाउडनेस और लोनेस। लाउडनेस और लोनेस का मतलब क्या होता है, आवाज़ कितनी तेज़ होगी और आवाज़ की गति लोनेस मतलब कितने धीरे होगी। किसकी लाउडनेस एंड लोनेस, ऑफ वॉइस, यानी कि आवाज़ कितनी तेज़ होनी चाहिए और आवाज़ कितनी आपकी धीरे होनी चाहिए। तो आवाज़ के लिए वो क्या कहता है कि इफ़ यू आर स्पीकिंग, अगर आप क्या कर रहे हैं, इफ़ यू आर स्पीकिंग इन अ
लार्ज रूम, अगर आप किसी बड़े रूम में पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी जो वॉइस है, आपकी जो आवाज़ है वो कैसी होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, यानी कि आपको ज़ोर से बोलना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप एक बड़े से कमरे में धीरे धीरे बात करेंगे तो क्या होगा, सामने वाले को यानी कि श्रोतागण को यानी कि ऑडियंसिस को आपकी बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। ऑन द कॉन्ट्ररी वाइस वर्सा, अगर आप क्या कर रहे हैं किसी स्मॉल रूम में बात कर रहे हैं, स्मॉल रूम का मतलब क्या होता है, किसी छोटे रूम में बात कर रहे हैं, तो आपको अपनी आवाज़ को सॉफ्ट करना पड़ेगा, दैट मीन्स आपको अपनी आवाज़ लो करनी पड़ेगी। लो का मतलब क्या होता है, आपको धीरे धीरे बात करनी पड़ेगी। धीरे धीरे का मतलब ऐसा क्यों हुआ, देखिए अगर आप बड़े कमरे में चिल्लाएंगे, अगर आप एक बड़े कमरे में चिल्लाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, चिल्लाना मीन्स अपनी आवाज़ की गति को यानी कि साउंड को तेज़ रखेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके श्रोतागण जो होंगे, जो आपके ऑडियंस हैं, उन्हें क्या होगा, बात समझ में अच्छी तरीके से आएगी, ठीक है। लेकिन अगर एक कमरे का जो डायमीटर है, जो एरिया है, वो कम है, आप एक छोटे से कमरे में अगर बहुत चीख चीख के अपनी बात को कहेंगे तो ऑडियंस को क्या होगा, ऑडियंस के जो ईयर ड्रम्स होंगे उस पर इफेक्ट पड़ेगा, और ऑडियंस क्या होता है, आपकी बात को सुनेंगे और उनको सुनने के बाद क्या होगा, माइंड में हेडेक होने लगेगा, यानी कि वो चीज़ वो इवैल्यूएट या एनालिसिस नहीं कर पाएंगे जो बात आप कहना चाह रहे थे। तो दैट मीन्स आपको कमरे का साइज़ देखकर भी अपने वॉल्यूम को कंट्रोल कर लेना चाहिए। बड़ा कमरा हो तो ज़ोर से बोलना है, छोटा कमरा हो तो हमें धीरे धीरे बात करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या कहता है, पॉज एंड स्पीकिंग स्पीड। अगर मैं आपसे पॉज एंड स्पीकिंग स्पीड की बात करती हूँ तो क्या कहता है, जब भी आप और मैं बोलते हैं, यानी कि हम और आप कहाँ बोलते हैं, हम और आप हमेशा डिफरेंट ओकेजन पर बोलते हैं। डिफरेंट ओकेजन का मतलब क्या होता है, हम अलग अलग समय में अलग अलग जगह पर हम अपनी बात को व्यक्त करते हैं, हम अपनी बात को बयां करते हैं, हम अपनी बात को क्या करते हैं, हम अपनी बात को एक्सप्रेस करते हैं, यानी कि अलग अलग समय में हम और आप अलग अलग बातचीत करते रहते हैं। तो हमें और आपको ओकेजन के हिसाब से अपने पॉज का मतलब क्या होता है, रोक, बोलते समय जो भी हम और आप क्या करते हैं, सेकंड भर का ब्रेक लेते हैं, सेकंड भर का क्या लेते हैं, ब्रेक लेते हैं, ठीक है। अपने अपनी आवाज़ में अपने शब्दों का उच्चारण करते समय आपको क्या करना चाहिए, आपको पॉज लेने चाहिए, और आपको अपनी स्पीड को भी कंट्रोल करके रखना चाहिए। स्पीड का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं बोलना है और बहुत ज़्यादा धीरे भी आपको नहीं बोलना है, आपको ओकेजन के हिसाब से अपनी आवाज़ को कंट्रोल करके रखना चाहिए। जैसे अगर आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, ठीक है, वो ईजी पार्ट उसमें आप बोल रहे हैं, ईजी पार्ट मतलब कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है कि हाँ सामने वाला अच्छी तरीके से ये एक बारी कहने पर समझ जाएगा, तो उस चीज़ को बोलने के टाइम पर आप उस चीज़ में फास्टर स्पीड अपनी रख सकते हैं। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आप प्रेजेंटेशन देते समय कोई टेक्निकल पार्ट बोल रहे हैं, ठीक है, टेक्निकल बात का मतलब क्या होता है, आप कोई तकनीकी बात समझा रहे हैं, ठीक है, यानी कि आप किसी फैक्ट्स की बात कर रहे हैं, आप किसी फिगर की बात कर रहे हैं, आप कोई फॉर्मूला बता रहे हैं, आप कोई प्रोसेस बता रहे हैं, यानी कि जिस चीज़ को सुनकर इंसान को, श्रोतागण को समझने में कुछ सेकेंड लगेगा, तो वहाँ पर आपकी जो स्पीड हो जानी चाहिए वो इन कंपेरिजन टू अदर पार्ट स्लो हो जानी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या करता है, अगर आप दूसरे को स्पीड को अपनी कंट्रोल करते हैं, अगर आप अपनी बात हुई तो स्पीड हो गई आपकी, ठीक है, अब अगर मैं आपसे पॉज की बात करती हूँ, अगर आप अपनी बात को बोलते समय पॉज देते हैं, यानी कि सेकंड भर का ब्रेक देते हैं, तो उससे फ़ायदा क्या होता है, पॉज देने से फ़ायदा ये होता है कि अगर आप पॉज देंगे तो आप श्रोतागण होने के नाते अपने ऑडियंस को, यानी कि अपने दर्शकों को, अपने श्रोतागणों को क्या कर सकते हैं, सोचने का वक्त दे सकते हैं। सोचने का वक्त का मतलब होता है जो चीज़ आपने बोली, बोलकर वो सुने और उस चीज़ को सोचें, यानी कि उस चीज़ को अच्छी तरीके से समझें, ठीक है। तो आपको उन्हें क्या करना चाहिए, अपनी बात को बोलते समय कुछ सेकेंड का पॉज भी आपको देना चाहिए, ताकि आप ये कह सकते हैं कि जो श्रोतागण हैं वो थिंक, वो सोचें और उसको क्या करें, थिंक मतलब सोचें और चीज़ों को समझें, कौन सी चीज़ जो कि आपने अभी बोली है। अक्सर पॉज के लिए हम और आप कुछ शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जैसे आ, ओ, हम, आ, ये जो शब्द होते हैं अक्सर हम और आप पॉज के लिए क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, दे आर द वर्ड्स विच आर यूज्ड एज पॉज, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका प्रोनंसिएशन।
नेक्स्ट है आपका प्रोनाउंसिएशन. बच्चे कहते हैं प्रोनाउंसिएशन, अक्सर हम इस शब्द का उच्चारण गलत करते हैं. इस शब्द का उच्चारण प्रोनाउंसिएशन है, ना कि प्रोनाउंसिएशन. तो ये क्या कह रहा है कि बोलते समय आपको अपने शब्दों का उच्चारण, उच्चारण का मतलब क्या होता है, शब्दों को बोलना, सही बोलना चाहिए. यानी कि आपको अपने शब्दों का उच्चारण सही करना चाहिए, आपको अपने शब्दों का उच्चारण क्लियर करना चाहिए. क्लियर का मतलब क्या होता है, साफ साफ. साफ साफ का मतलब क्या होता है, शब्दों को इस तरीके से बोलें कि सामने वाले व्यक्ति को आपकी बात अच्छी तरीके से समझ में आ जाए. यानी कि क्लियर, क्लैरिटी. क्लियर का मतलब क्या हुआ, शब्दों के उच्चारण में क्लैरिटी होनी चाहिए. क्लैरिटी का मतलब क्या होता है, क्लैरिटी का मतलब होता है साफ साफ. ठीक है, क्लैरिटी का मतलब क्या होता है, सब चीज़ें साफ साफ होनी चाहिए ताकि सुनने वाले व्यक्ति को समझ में आ जाए. अगर आप क्लैरिटी के साथ बिल्कुल साफ साफ बोलते हैं, आपके शब्द बिना तुतलाए आपके मुंह से बाहर निकलते हैं, तो इट एड्स वैल्यू टू योर प्रेजेंटेशन. वैल्यू टू योर प्रेजेंटेशन कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं इट एड्स वैल्यू टू योर स्पीच. स्पीच का मतलब क्या होता है, जो भी चीज़ आपने बोली है. और जब आप क्लैरिटी के साथ बोलते हैं, अच्छी तरीके से साफ साफ बोलते हैं, तो आपकी जो स्पीच होती है या आपकी जो प्रेजेंटेशन होती है, इट इज़ जनरली एक्सेप्टेड. एक्सेप्टेड का मतलब क्या होता है, श्रोतागण उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं. एक्सेप्ट करने का मतलब क्या होता है, श्रोतागण उसे तुरंत तुरंत अच्छी तरीके से चीज़ों को समझ लेते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वालिटी. अगर मैं आपसे क्वालिटी की बात करूं, तो क्वालिटी का मतलब क्या होता है, क्वालिटी का मतलब होता है गुणवत्ता. आपकी वॉइस की क्वालिटी क्या है. ठीक है, अब देखिए, हर किसी की जो आवाज़ होती है, हर किसी की जो वॉइस होती है, वो बिल्कुल भी सेम नहीं होती. क्या आपने दुनिया में जितने भी लोग सुने होंगे, कभी किसी की आवाज़ सेम सुनी है? नहीं. अक्सर लोगों की आवाज़, ये ज़्यादातर क्या हम कहें, 100% लोगों की आवाज़ बिल्कुल एक दूसरे से क्या होती है, अलग होती है. या फिर आप ये कह सकते हैं कि ये वॉइस की क्वालिटी ही है, ये वॉइस की क्वालिटी ही है जो हमें और आपको एक दूसरे से क्या बनाती है, डिफरेंट करती है. डिफरेंट किसको करती है, एक को दूसरे से, दूसरे को तीसरे से. यानी कि ये हमारी वॉइस की गुणवत्ता ही है, क्वालिटी ही है कि हमें और आपको एक दूसरे से अलग करती है. हर किसी इंसान की डिफरेंट वॉइस होती है. जैसे मैंने आपसे कहा, हर इंसान अलग अलग आवाज़ को लेके पैदा होता है. जैसे हम ये कह सकते हैं कि हम वॉइस को चेंज नहीं कर सकते. द वॉइस जो होती है वो चेंज तो नहीं हो सकती, लेकिन हम वॉइस को ट्रेन जरूर कर सकते हैं. ट्रेन मतलब क्या होता है, हम अपनी वॉइस की क्वालिटी को सुधार सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, आपने सुना होगा जो सिंगर्स होते हैं, ठीक है, हम ये कहते हैं कि बहुत अच्छा गाना गाता है. अगर हम इसको थोड़ा सा ट्रेन करें, अगर हम इसको थोड़ा सा सिखाएं किसी कोई भी चीज़, तो ये क्या होगा, इसकी आवाज़ बहुत अच्छी हो सकती है. यानी कि इसको थोड़ा सा रियाज़ करना चाहिए. रियाज़ करने का मतलब क्या होता है, थोड़ी सी ट्रेनिंग लेनी चाहिए. अब जैसे अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, तो वॉइस आपकी अलग अलग से होती है. हर कोई इंसान जो होता है वो गुड क्वालिटी ऑफ वॉइस से ब्लेस नहीं होता. दुनिया में कुछ ही इंसान होते हैं जिनकी क्वालिटी ऑफ वॉइस बहुत ज़्यादा गुड होती है, यानी कि वो ब्लेस्ड होते हैं. अब ब्लेस्ड का मतलब ये हुआ कि उनकी आवाज़ बहुत पोलाइट होती है, सॉफ्ट होती है इन टर्म्स ऑफ सिंगिंग, यानी कि बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव वॉइस उनकी होती है. जैसे हम कह सकते हैं वॉइस बहुत सारे तरीके की होती है. किसी किसी की वॉइस जो होती है वो आपकी बहुत हॉर्स तरीके की होती है. हॉर्स नहीं है, हुआर्स. हुआर्स मतलब होता है एक तरीके से ऐसा लगता है जैसे कि जब वो बोलते हैं तो गरज रहे हैं. गर्जन वाली बड़ी भारी आवाज़ होती है. किसी की आवाज़ बड़ी सॉफ्ट होती है, ठीक है, बहुत आराम से बोलते हैं. किसी की आवाज़ बड़ी रिच होती है. रिच मतलब आप कह सकते हैं कि संपूर्ण है, मतलब कि ऑलमोस्ट सारी क्वालिटीज की वॉइस में इंक्लूड है. कोई कोई नेजल से बोलता है. नेजल का मतलब होता है, आप कहते हैं ना, कोई कोई ये नाक से बात करता है. जब ये बात करता है तो ऐसा लगता है किससे बात कर रहा है, नाक से बात कर रहा है. तो एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट क्वालिटी ऑफ वॉइस. तो हमें अपनी वॉइस को ट्रेन भी करना चाहिए. अगर हम अपनी प्रेजेंटेशन में अच्छी वॉइस बोलेंगे, दैट मीन्स अपनी वॉइस की क्वालिटी को मेंटेन करेंगे, तो हमारी अच्छी हो सकती है. ठीक है, सम पीपल, हम जैसे मैंने कहा, किसी की रिच होती है, किसी की नेजल वॉइस होती है, लेकिन हमें नेचुरली कुछ लोग जो होते हैं, दे आर ब्लेस्ड विद गुड वॉइस. तो हमारे 11 में से देखिए, हमारे 11 पॉइंट थे. हमने कौन कौन से पढ़ लिए, हमने वॉल्यूम पढ़ लिया,
ठीक है, हमने पॉज पढ़ लिया, हमने प्रोनाउंसिएशन पढ़ लिया और यहाँ पर हमने क्वालिटी पढ़ लिया। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे हमारा रेट। देखिए मैं आपको सारे पढ़ाऊँगी एक एक करके, जो भी मेरे हाथ में आते रहेंगे, मुझे याद आते रहेंगे, मैं आपको सारे पॉइंट्स पढ़ाऊँगी। तो हमने कितने पॉइंट्स पढ़ लिए यहाँ पर? यहाँ पर हमने चार पॉइंट्स पढ़ लिए हैं। अब हम पाँचवा पॉइंट पढ़ेंगे जिसका नाम आपका क्या है? रेट। अब रेट का मतलब क्या होता है? अक्सर रेट शब्द की अगर मैं आपसे बात करूं तो रेट शब्द से हम और आप समझते हैं रेट का मतलब होता है दर, दर मतलब होता है प्राइस। तो ये आपका रेट यानी कि दर, ये वो वाला रेट या दर या प्राइस नहीं है, पैसे वाला। यहाँ पर रेट का मतलब क्या है आपका? रेट का मतलब है पर मिनट। रेट का मतलब क्या है? पर मिनट। पर मिनट का मतलब क्या होता है कि आपको कितने वर्ड्स, ठीक है ना, अटर करने चाहिए, अटर्ड पर मिनट, अटर्ड पर मिनट, यानी कि आपको अच्छी प्रेजेंटेशन देने के लिए एक मिनट में, या आपको कितने वर्ड्स पर मिनट, एक मिनट में उच्चारण कितने शब्दों का करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हमें और आपको, वी शुड नेवर स्पीक फास्ट। हमको बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा जल्दी बोलते हैं तो श्रोतागण को क्या होता है? लैक ऑफ कंफर्ट का मतलब क्या होता है? उन्हें सुनने में हमारे बिल्कुल भी बात को मज़ा नहीं आता, उनको इनकन्वीनियंस फील होता है। इनकन्वीनियंस का मतलब क्या होता है? वो लोग हमारी बात को समझ नहीं अच्छी तरीके से पाते, क्योंकि जब तक वो हमारी बात को सुन के समझने की कोशिश करते हैं तब तक हम किसी और बात पर पहुँच जाते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है? वी शुड नेवर स्पीक टू लो। टू लो भी कह सकते हैं या आप स्लो भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा धीरे बोलते हैं तो सुनने वाले व्यक्ति को बोर्डम होने लगता है। बोर्डम का मतलब क्या होता है? उनको बोरियत महसूस होने लगती है, यार कितना धीरे धीरे बोलता है। उनको मोनोटनी होनी चाहिए, मोनोटनी होने लगती है। मोनोटनी का मतलब क्या होता है? रिपीटिशन। अगर आप एक बात को बहुत धीरे धीरे बोल रहे हैं और लग रहा है कि रिपीटेड फॉर्म में बोल रहे हैं तो मोनोटनी होनी चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारा कितना रेट होना चाहिए? एक प्रॉपर, अगर मैं आपसे रेट की बात करूँ अपने लिसनर्स के लिए, अगर मैं अपने श्रोतागण के लिए एक प्रॉपर रेट की बात करूं, तो एक प्रॉपर रेट क्या होता है? 125 से 150 वर्ड्स। आपको 125 से 150 वर्ड्स पर मिनट, आपको 125 से 150 वर्ड पर मिनट बोलने चाहिए। या कि कहने का मतलब यह है 125 से कम ना बोले और 150 से ज़्यादा वर्ड्स आपको कोशिश करनी चाहिए कि पर मिनट हम और आप ना बोलें, डिपेंडिंग अपॉन द कंटेंट अवेलेबिलिटी। अगर 0.1% आपका कंटेंट ऐसा है और कि आपको लगता है कि ईजी है और यूजुअली आपके ऑडियंस समझ जाएंगे, तो आप इससे कुछ वर्ड तो एक्सीड कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा वर्ड्स आपको एक्सीड नहीं करने चाहिए। समझ में आई बात? तो ये आपका क्या होता है? रेट। नेक्स्ट की अगर मैं आपसे बात करूँ तो अब नेक्स्ट मैं आपको 6 पॉइंट पढ़ाती हूँ जिसका नाम क्या है आपका? आर्टिकुलेशन। ठीक है, 6 पॉइंट आपका क्या कहता है? आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन का मतलब क्या होता है? आर्टिकुलेशन का मतलब हम कह सकते हैं कि हर इंसान शब्दों का उच्चारण बिल्कुल अलग अलग ढंग से करता है। हर इंसान के जो बोलने का तरीका होता है वो बिल्कुल अलग अलग होता है, यानी कि हर शब्द का उच्चारण, हर शब्द की जो साउंड होती है, जब हम शब्दों को प्रोनाउंस करते हैं तो जब भी हम साउंड को स्पीक करते हैं, यानी कि हम और आप किसी भी शब्द को बोलते हैं, तो उस शब्द में से क्या होता है? जो ध्वनि निकलती है वो हर शब्द की ध्वनि बिल्कुल क्या होती है? डिस्टिंक्ट होती है। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? अलग अलग होती है। ठीक है, अब देखिए, जैसे मैंने कहा राम और मैंने कहा श्याम, तो अ की वॉल्यूम मेरी श्याम में आ गई और राम में अ की वॉल्यूम नहीं थी। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि हर शब्द को बोलने का तरीका बिल्कुल अलग अलग होता है। अब हमें और आपको शब्दों को सही तरीके से बोलना चाहिए, यानी कि बोलते समय हमें अपने शब्दों को, सबसे पहले क्या कहता है? द स्पीकर शुड नॉट स्लर। स्पीकर को शब्दों को स्लर नहीं करना चाहिए। स्लर का मतलब क्या होता है? उनको आधा अधूरा,
मतलब बोलते समय शब्दों को आधा अधूरा, ऐसा नहीं होता कि मुंह में ही बोल रहे हैं, ठीक है, आपको आधा अधूरा यानी कि शब्दों की चॉपिंग, चॉपिंग मतलब आधा अधूरा या शब्दों को कटिंग नहीं करनी चाहिए। आपको अपने जो आपकी साउंड है शब्द और वाक्य के बीच में ठीक तरीके से उनका उच्चारण करना चाहिए। अगर आप शब्दों का उच्चारण अपने वाक्य में सही करते हैं यानी कि आप अपने वर्ड्स को सही तरीके से शब्दों को बोलते समय उनकी ध्वनि निकालते हैं शब्दों के अंदर से, सही ध्वनि का मतलब ये होता है जो कि ऑडियंस अच्छी तरीके से शब्द का मतलब समझ पाए, तो आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी प्रेजेंटेशन होती है। उदाहरण के तौर पर आपने सुना होगा कुछ लोग होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे दोज हू स्टैमर, स्टैमर का मतलब क्या होता है, कुछ लोग होते हैं जो तुतलाते हैं, ठीक है, तुतलाते का मतलब क्या होता है, वो शब्द तो बोलते हैं लेकिन वो उस प्रकार अपने शब्दों की ध्वनि नहीं निकाल पाते बोलने के समय जिस प्रकार उनको निकालनी चाहिए। तो हमें और आपको आर्टिकुलेशन पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ठीक है। इसके साथ आपके 6 पॉइंट्स जो हैं आपके वो कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। अब हम और आप अपने नेक्स्ट वीडियो में जो रिमेनिंग हमारे 5 पॉइंट्स बच गए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये 6 के 6 पॉइंट्स समझ में अच्छी तरीके से आ गए होंगे, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो लेंगे, थैंक यू।